बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ्रेश फ्रेश सी सब्जियां जो हैं वो कटिंग हुई हुई हैं और यहाँ पर कुछ मसाले भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं अभी बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें हैं और ये कटिंग किस सब्जी की हुई हुई है और मैं क्या बना रही हूँ। सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली गर्मियों में तो सालन को जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता जितना सब्जियों को सलाद की शक्ल में या रायतों की शक्ल में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। रायते हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ज़रूर आपने बनाना होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रायते होते हैं जो हम अपनी पसंद के मुताबिक बनाते हैं, अपनी पसंद की सब्ज़ियों से बनाते हैं। इसमें दही का इस्तेमाल भी होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक का एहसास पैदा होता है। तो मैं बहुत किस्म के रायते पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज भी मैं आपको एक रायता बता रही हूँ और वो है आलू। इसको बेसिकली आलू का रायता कहेंगे लेकिन इसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं, तो बताती हूँ मैं आपको कि क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 3 पाव दही जिसको मैंने अच्छा सा फेंट के बिल्कुल मुलायम कर लिया है, देखें इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप दही की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको सही लगे आप उतनी ले सकते हैं सब्ज़ियाँ दही, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है खीरे, बेसिकली तो आलू भी डाले जाते हैं। यहाँ पर 3 अदद आलू थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, मैंने बॉईल करने के बाद उसका छिलका रिमूव किया और फिर उसको जो है इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, ठीक है। ये देखें इस तरह के टुकड़ों में मैंने काट लिया है और खीरे भी मैंने चॉप किए हैं, ये देखें 2 अदद खीरे थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये पुदीना है थोड़ा सा, तो चॉप कर लिया मैंने, छिलके रिमूव कर दिए। आप चाहें छिलके उतारें या ना उतारें, आपकी मर्ज़ी है ये। और यहाँ पर चंद पुदीने के पत्ते हैं जिनको अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसको भी चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची हैं मेरे पास यहाँ पर और 2 अदद हरी मिर्ची हैं, मैंने इनको काट लिया है। अब यहाँ पर है मेरे पास कुटा हुआ धनिया 1 चाय के चम्मच, गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ 1 चाय का आधी चाय का चम्मच है, काली मिर्च है, बहुत ज़बरदस्त टच आएगा इसका, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इस रायते में आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा कि कितना ज़बरदस्त रायता ये तैयार हुआ है दूसरे रायतों से। 1/2 चाय की चम्मच है काली मिर्च का पाउडर और ये नमक है, सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो ये 1 चाय का चम्मच लिया है, आप अपने हस्बे ज़रूरत ले लें। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, या कम ज़्यादा जितना भी आप चाहें कर सकते हैं। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ये भी आप अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी से डाल सकते हैं। काला नमक है मेरे पास, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ज़रूरी है डालना, 1/2 चाय की चम्मच से कम है, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा। ज़ीरा है 1/2 चाय की चम्मच, अजवाइन है 1/2 चाय की चम्मच से कम थोड़ी सी, तो ये पहले मसाले डाल देते हैं ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो सके, ठीक है जी। इन मसालों को हम इस तरह अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि दही में तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसके बाद जो हैं ये तमाम सब्जियां हम यहाँ शामिल कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तमाम सब्जियां ये देखें मैंने रायते में मिला दी हैं। अभी मज़ीद इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मज़ीद मैं इसमें क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ। जी ये है बूंदी, ये मैंने भिगो दी थी पानी में, 1 कप बूंदी है मैंने पानी में भिगो दी थी जो कि बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस बूंदी को भी हम इस तरह पानी से निकाल कर निचोड़ के थोड़ी सी और हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें, मैंने इसमें टमाटर यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि घर वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते टमाटरों को, तो इसलिए मैंने टमाटरों का यूज़ नहीं किया इसमें। आप चाहें तो और भी अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी चाहें, तो वैसे बेसिकली यही रायता जो है वो ठीक लगता है। तो यहाँ पर बूंदी भी शामिल कर दी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा रायता जो है वो तैयार हो गया है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी में और जितने चाहें ऐड कर सकते हैं और सब्ज़ियाँ भी, तो बहुत अच्छा लगता है ये रायता जो है। चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, दाल बनी हो और साथ में ये रायता हो और यहाँ कोई चटनी बना लें इसके साथ, बेसन की रोटी हो साथ में और लस्सी बना लें, तो ये रायता जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसी लगी है जी आपको आज की रेसिपी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, कमेंट करके लाजमी आपने मुझे बताना है। नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।